हीरानगर में अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 1 करोड़ की फिरौती के लिए आरोपी ने बच्चे के अपहरण की योजना बना ली थी और अपने एक साथी को भी षड्यंत्र में शामिल किया था, लेकिन ये अपहरण कर नहीं पाया। इसके पहले ही आरोपी के साथी ने कॉलोनाइजर और पुलिस को इसकी सूचना दे दी और उसके बाद आरोपी पकड़ा गया। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले कॉलोनाइजर राजतिलक गुंडे के बेटे के अपहरण के पूर्व ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के हत्याए आरोपी का नाम नरेंद्र पिता गोवर्धन सूर्यवंशी निवासी परदेशीपुरा है। आरोपी भानगढ़ निवासी कॉलोनाइजर राजतिलक गुंडे के बेटे के अपहरण की साजिश बना चुका था। इसकी जानकारी आरोपी ने अपने एक दोस्त को दी, उसे भी वो अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन उसने पहले ही पुलिस को और कॉलोनाइजर राजतिलक को घटना की जानकारी दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नरेंद्र पर मारपीट, शराब तस्करी सहित कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को आरोपी के पास से बच्चे के फोटो, मोबाइल नंबर सहित कई जानकारी मिली है। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वो बच्चे का अपहरण कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती लेने वाला था। सर, एक अपहरण का एक मामला सामने आया था जिसमें एक ऐसा मामला है जिसमें 1 करोड़ रुपए की फिरौती की बात सामने आ रही है। क्या है पुराना? ये भानगढ़ के निवासी हैं, कॉलोनाइजर हैं राजतिलक गुंडे। इनके बच्चे के अपहरण के संबंध में नरेंद्र सूर्यवंशी निवासी परदेशीपुरा द्वारा एक योजना बनाई जा रही थी पिछले लगभग 6 माह से, और इनके बच्चे के अपहरण की योजना थी जिसमें इसके साथियों के साथ ये अपहरण करके उससे 1 करोड़ की फौती के लिए तैयारी कर रहा था। और कल उसने अपहरण करने के लिए जैसे ही आया और उसकी सूचना मिलने पर परिवारजनों और पुलिस के द्वारा इसे पकड़ा गया है और पूछताछ करने पर इसे स्वीकार किया है कि ये राजतिलक के बच्चे का अपहरण कर 1 करोड़ की फौती लेने वाला था, जिसे बीच में ही पकड़ लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। सर, अपहरण की वजह क्या थी? क्या ये लगभग 6 माह से पिछले दोनों लॉकडाउन से बेरोजगार था और पैसे कमाने के लिए ये कोशिश कर रहा था कि किस तरह अपहरण कर पैसे कमा सके। सर, कोई रिकॉर्ड है? हाँ, इसके रिकॉर्ड हैं, मारपीट झगड़े के रिकॉर्ड हैं, लगभग 5 प्रकरण पूर्व से इसके ऊपर दर्ज है।